हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपसे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज वाले वीडियो में मैं आपसे लिए जो है इंस्टेंट फार्म वाले उनसे एडोन लेते आ चुका हूँ। इस इंस्टेंट फार्म वाले एडोन में आप लिटरली जितने भी फार्म होते हैं ना माइनक्राफ्ट में, आप सबको बना सकते हो, ठीक है। और ये इतना मस्त एडोन है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसमें जो है इंस्टेंटली मतलब आप खाली फुट तोड़ दे, आप तो सिर्फ दो मिनट भी नहीं, मतलब टू सेकेंड्स में आपका जो है फार्म बनते तैयार हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इस तरह से ये जो ऐड होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा सब जो क्राफ्टिंग रेसिपीज है ना वो भी बता दूंगा। इसलिए एंड तक देखते रहिएगा और मैं आपको पूरा डिटेल साथ बताने वाला हूँ कैसे इसे जो है वर्क वगैरह भी कराना है। इसलिए एंड तक वीडियो तो जरूर से देख लीजिएगा, मैं आपको बार बार नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग अदर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो जो लाइक किया, चलिए सो बिना से जल्दी से वीडियो जो स्टार्ट कर लेते हैं। सो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, जो है मैंने सामने फार्म बना दे रखा हुआ है, हमारा जो आयरन फार्म है। और इस आयरन फार्म में देखिए आपके यहाँ पे डोर है, और इस डोर के अंदर आप जैसे जाओगे ये भी इतना ज़्यादा आप तो स्पेस भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बना दे रखा है, मैं आपको तो और भी मतलब यहाँ पे जो फार्म वगैरह है ना वो बना के दिखाऊंगा, ये भी बना दिखाऊंगा कैसे इसे जो है आप तो मतलब ऐसे स्पॉन करना है, ठीक है। तो ये इतना स्पॉन ही होगा आप तो इंस्टेंटली जो है कोई भी फार्म बन जाती है। मैं बहुत सारे यहाँ पे मॉब का जो है मतलब फार्म है, मतलब कोई भी फार्म आप इसमें जो है बना सकते हैं। हमारे पास आयरन फार्म है तो यहाँ पे मैं आपको बना दिखा देता हूँ। ये हमारा आयरन फार्म, यहाँ पे मतलब मार्थर टूल है, इसमें जैसे इसमें फुट तोड़ना चाहिए आसपास जो है मार्थर मर चुका है, मतलब इतना दूर में बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिल्डर हैमर, मतलब बिल्डर टूल है, और यहाँ पे देखिए हमारे जो बनते तैयार, मतलब इंस्टेंटली आपका जो है देखिए बनते तैयार हो चुका है। और इस बात ये सब तो जो क्राफ्टिंग रेसिपी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आपको जो है टेंशन नहीं लेना, ये सब आप जो इजिली क्राफ्ट कर पाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है क्राफ्ट ना, आप इजिली जो क्राफ्ट कर पाओगे एंड तक, बस सारी आप देखते रहिएगा। और उधर पर देखिए दूर में तुम्हारा जो सुधर दिन फार्म है, ये भी मैं आपको जो है इसमें जो है अभी मतलब इंस्टेंटली बना देता हूँ ना, मतलब इतना कम सेकेंड्स में जो बन जाते ना, मतलब आप क्लिक कर दो, वन क्लिक में आपका जो है बन जाता है। यहाँ पे देखिए सुधर दिन का फार्म है, और इसके अंदर मैं जैसे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक एक्टिवेट था, यहाँ पे जो है वो मिलेगा लीवर, ये आपका ऑफ रहता है, आप जैसे मैंने ऑन किया और आप तो जो सारा एक्टिव हो जाएगा, मैं आपको वो भी करते दिखा दे दूँगा अभी, ठीक है। इतना बड़ा आप तो देखिए सुगर तेन का फार्म बन जाती है, मेरा सुगर तेन फार्म है। इसमें आप तो जैसे स्मॉल वर्जन में आएगा आपका, मेरा भी आया था, आप तो जैसे रिवाइज रहता ना उस तरह से जो कर सकते हो। ऐसे मार्कर किया देखिए, इतना दूर तक गया हमारे यहाँ पे मार्कर, और यहाँ पे बिल्डर टूल, और ये हमारा देखिए इंस्टेंटली आ चुका है हमारा यहाँ पे मेरा सुगर तेन फार्म, और जितना ज़्यादा बड़ा है जितना ज़्यादा जाइंट आप देख पा रहे हो, ठीक है। सो इसे एक्टिव करने के लिए आप तो जो यहाँ पे डोर रहे ना, आप तो जो सिंपली इसके अंदर आना है, और यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे लीवर डाउन रहता है, आप जो अप कर देना है, फिर आपने आपका रेस्टोरेंट से जो स्टार्ट हो जाएगा, और ऊपर में आपका जो है फार्म मतलब वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस चेस्ट में आपका जो है ऑटोमेटिकली सारे सुधर दिन आ जाएगा। अभी जी हमारा जो ट्री फार्म है, और ये ऑटोमेटिक है, मैं आपको तो बता दूंगा इसमें आपको तो जो है क्या करना है। अभी देखिए ट्री फार्म है, इसे देखिए मार्कर करना है, फिर यहाँ पे बिल्ड, तो सब तो जो है आपको तो इसी तरह से जो है बनाना है। और यहाँ पे देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे ट्री फार्म हमारा जो है आ चुका है, और इसमें एक चीज़ आपको तो जो है करना पड़ेगा, मैं आपको तो बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है यहाँ पे चेस्ट रहता है, इसमें आप जो है लूट मिल लेता है, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट का काम हुआ है, तो यहाँ से आप जो है इसे देख सकते हो, ठीक है। स्पीड वगैरह यहाँ पे लास्ट स्टेज है ना, इधर पे जो हमारे इसमें स्टोर होता है, यहाँ पे बट कर लेते हैं रेट तो। और यहाँ पे हम मेन चीज़ है, यहाँ पे देखिए हमारे जैसे इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे देखिए टॉप लीवर इज फॉर ओट्रीज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बटन लीवर इज टू एक्टिवेट दिस फार्म, ठीक है। तो जो नीचे वाला जो लीवर है ना, ये हमारा जो एक्टिवेट करने के लिए, और जो ऊपर वाला ये हमारा जो ओट वाला जो होता है ना उसके लिए, मतलब आपको अगर ओट ट्रीज करना है तो आप इसे जो एक्टिव कर देंगे, और इसे जो एक्टिव करने से आपका जो वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको बोन मिल डालना पड़ेगा इसमें चेस्ट में, आपको जो बोन मिल डालना पड़ेगा, और इसमें जो बोन मिल का जो फार्म है तो आप उसे भी जो है बना सकते हो इंस्टेंटली, मतलब वन क्लिक में आपका जो बोन मिल का फार्म बन जाएगा, ठीक है। तो वो उस आप जो है देख लीजिए, क्योंकि मैं उसमें बोन मिल था मैंने यहाँ पे जो है नहीं लिया है स्पॉन करने वाला फार्म, ठीक है। तो आप जो है उसे कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे जो है मॉब फार्म है, मॉब फार्म से आप जो है ट्रिपर जो गन पड़ा होता है ना वो सब मिल जाएगा, और भी इसमें जो है बहुत सारी चीज़ मिलेगी, जैसे रॉटन फ्लैश वन में बो वगैरह एरो वगैरह मिलेगा। और इसमें आप जीते यहाँ पे नीचे में डोर दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना बड़ा जाइंट था वो देख लिया होता है, यहाँ पे देखिए इससे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। और अभी तो कोई भी मॉब इस बैट पर नहीं आ रहा है, अगर मैं पीसफुल में, अगर मैं इसमें जो है पीसफुल में नहीं रहता तो यहाँ पे मॉब आना जो एकदम स्टार्ट हो जाते हैं, और इंस्टेंटली बहुत मॉब आते हैं, ठीक है। और ऊपर में इतना बड़ा ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा ही मॉब्स आएंगे इसमें, मतलब बहुत बड़ा फार्म है ये। यहाँ पे काउ फार्म है, काउ फार्म पर इधर पे मार्च करता हूँ, और इधर पे बिल्ड, ठीक है। और काउ फार्म में आप तो देखिए इस तरह से जो है दिखेगा, और इधर पे देखिए ये यहाँ पे बटन रहता है, इससे आप तो इधर पे जो है लावा आएगा, बट इससे जो है वर्क कराने के लिए आप तो जो है सबसे पहले ऊपर में आना पड़ेगा, और ये जितने भी काउ है ना इस सब तो आप तो जो है ब्रीडिंग कराना पड़ेगा, ब्रीडिंग के लिए आप तो जो है इससे वीट देना पड़ेगा, मतलब दोनों काउ तो आप अगर वीट दो दे तो दोनों ब्रीडिंग करेंगे, तो और काउ इसमें जो है आएंगे तो वो जो है नीचे चल जाएंगे, फिर बड़ा होते हैं उसमें जो है आपका इधर पे आ जाता है, जो ये एरिया है ना यहाँ पे जहाँ पे लावा है यहाँ पर ये एरिया में आ जाता है, फिर आप जैसे इसमें जो है इसे क्लिक करो दे बटन को तो लावा आते से जो मार देता, फिर आपका जितना भी जो आइटम रहता जैसे लेदर और फूड ये लार्ज चेस्ट में आ जाता, ठीक है। तो आप समझ जाते हो कॉन्सेप्ट, तो आप तो इसी तरह से जो है वर्क कराना है।
अबे कोबल चुना फार्म है मैं, तो ये भी जो यहाँ पे तरती जा देते कोबल चुना है यहाँ पे कोबल चुना फार्म, तो मुझे यहाँ पे रत्ना फिर मार्क और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा कोबल चुना फार्म है, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा एरिया ले रहा है और यहाँ पे बिल्ड देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे इतना बड़ा फार्म बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी हमें देखिए इतना ज़्यादा बड़ा फार्म बन जाता है। और इसे आप लोग जो एक्टिव करना पड़ेगा मैं आप लोग बता दूँ ऐसे, इसमें एक्टिव करना देखिए आप लोग जो यहाँ पे एरिया में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए सब जो लिखा रहता है एक्टिवेट स्टोन फार्म और यहाँ पे देखिए ड्रॉप टी एन डी हेयर करते तो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग जो टी एन डी डालना है तो आप लोग जैसे ऊपर में जो जितने भी स्टोन वगैरह बने ना उससे जो है ब्रेक करेगा, क्योंकि हमारे जो माइनक्राफ्ट पॉपुलेशन में है ना इन्फिनिटी टी एन डी जो है ड्रॉप नहीं होते, ये आपका जो है इसमें ग्लिच वर्क नहीं करता, ठीक है मैं तो बता दे रहा हूँ, इसलिए आप तो जो इसमें टी एन डी डालना पड़ेगा और गन पाउडर वगैरह का फार्म भी इसमें आप जो है बन जाता है आप जानते होंगे, ठीक है। सो ऑलरेडी तो मैंने तो जो इतना सारे फार्म तो दिखा दिया, इसमें और भी बहुत सारे फार्म है, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा ही फार्म है, मैंने आप तो जो है इसका 50% भी नहीं दिखाया मतलब फार्म का, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे फार्म है, आप जब प्ले करोगे अपने सीधे खरीदा, बट मैं आप जो सबसे पहले जो क्राफ्टिंग रेसिपीज जो है बता देता हूँ, मैं जो क्राफ्टिंग टेबल आ चुका है क्राफ्टिंग टेबल आप लोग जो आना है हमें देखिए जिसमें क्राफ्टेबल रहते हैं ना आप तो ऑन रहते ऑफ कर देना है, और इसमें आप लोग जो सिंपली एकदम जो नीचे आ जाना है, आप इधर उधर जैसे ही नीचे आ जाओते तो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो सारे सारे जो आप यहाँ पे टूल्स दिख रहे होते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो मार्क ब्लॉक है, बाद में यहाँ पे देखिए हमारा जो वाइन्स का फार्म है, बाद में यहाँ पे देखिए पिक फार्म है, मतलब इसमें जो हर फार्म का देखिए अलग अलग जो है क्राफ्टिंग रेसिपीज है, या तो जो सिंपली दिख जाएगा आप ये सब जो है सामान तो तले रहते यहाँ पे जो बना सकते हो इजिली फार्म्स, और इसमें देखिए आप तो जो है हर फार्म का अलग अलग क्राफ्टिंग रेसिपीज है, मतलब देखिए आप जो एक फार्म बना रहे तो उससे आप जो अलग फार्म बन जाए, मैं मार्क करता था यहाँ पे देखिए हमारा जो जो मेकर है जिससे टूल बनेगा बिल्डर टूल, वो भी इसमें जो है क्राफ्टिंग रेसिपीज आप जो मिल जाएगा, ठीक है। तब इसे जो सिंपली इतना इजीली जो सब प्रो क्राफ्ट कर सकते हो। ऑलरेडी तो मैम जो इतना बता दिया, अगर आप तो और भी जानना है तो मैम जो आप तो लिंक जो प्रोवाइड किया उसमें आप तो जो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और अगर आप कोई फॉर्म में अगर जो है क्राफ्ट करो दे तो और उसे जो है स्पॉन करो दे तो आप तो अपने जो है जो साइन बोर्ड होते हैं ना उसमें सारे इन्फॉर्मेशन आप तो जो मिल जाएंगे, तो साइन बोर्ड से आप देख से समझ जाते कैसे एक्टिव करना है सब कुछ करना है, ठीक है। ऑलरेडी तो आज वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो जो लाइक किया, और यदि चैनल में नया हो तो चैनल जो सब्सक्राइब कर और मेरे जो चैनल सब्सक्राइब कर उस लिंक आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लिया उस लिंक आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो ऑलरेडी तो वीडियो में इतना ही, मैं तो इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।